हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जिनके बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लगातार प्रशिक्षुओं के द्वारा जो विशिष्ट शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की जा रही है। आपको मैंने एक बार बताया भी था दो दिन पहले लगभग कि कुछ लोग मिले थे बघेल सर से, बेसिक शिक्षा सचिव हैं, ठीक है, तो उनसे बात की थी। तो उनके अनुसार जो 8 से 9 जनवरी के आसपास आपका जो 17,000 भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर कुछ चीजें, अब कल भी कुछ लोग मिले हैं, रजत सिंह और उनके साथी वगैरह कल भी मिले हैं बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, तो वहां पर जो बातें निकल के सामने आ रही हैं उससे कुछ संदेह भी पैदा हो रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। पहले आपको एक चीज और बता दूं कि जब तक विज्ञापन आ नहीं जाता है, पहली बात तो 17,000 बहुत कम वैकेंसी है, उसके लिए कल विशाल धरना प्रदर्शन भी होगा इको गार्डन में, वहां आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या पहुंचे। लेकिन जब तक जारी नहीं हो जाता, 17,000 का भी अभी कोई भरोसा नहीं है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, एक मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं फिर आगे की बात। ये देखिए, आपको 30 दिसंबर के लिए इन्होंने कहा था कि जूनियर प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक की जो प्रक्रिया है वो 30 दिसंबर से प्रारंभ होगी। सतीश द्विवेदी जी का ये ट्विटर हैंडल है और 30 दिसंबर आज 2 तारीख हो गई है, अभी तक कोई भी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। सुनने मारा 3 तारीख को, मतलब कल के दिन होगा, तो आप देखते हैं कल भी होता है कि नहीं। तो इनसे जब तक चीज़ें हो ना जाए तब तक कोई भरोसा नहीं कर सकते। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए बघेल सर से वार्ता का पूरा सार यहाँ पर देखिए क्या लिखा। एक आचार, पहला है आचार संहिता लगने से पहले 17,000 वैकेंसी का विज्ञापन जारी हो सकता है, जारी हो जाएगा नहीं है, पर विज्ञापन कब तक आएगा यह उन्होंने फाइनल नहीं बताया, ठीक है। आगे देखिए क्या है, जब हम सब ने निवेदन किया कि सर वैकेंसी कम से कम 50,000 प्लस निकाली जाए, तो उनका जवाब था कि हमारे बस में कुछ नहीं है, आप सभी शासन स्तर पर अपनी मांग रखें। तीसरा है, हम सबके निवेदन के बाद उन्होंने कहा कि आपकी तरफ से हम शासन स्तर पर आप सबकी बात पहुंचा देंगे, लेकिन प्रयास आप सभी को ही करना है। चौथा, आप सभी से निवेदन है कि आखिरी प्रयास 3 जनवरी को लखनऊ अवश्य आए, संभवतः 10 तारीख तक आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद कुछ होना संभव नहीं है, ठीक है। हमारी मांगे क्या है, 51,112 पद का जो हलफनामा सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिया है उसके बारे में यहाँ पर कोशिश की जा रही है, 97,000 प्राथमिक पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 17,000 की बातें चल रही हैं और जैसा कि आपको दिखा दिया, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। कल 3 जनवरी है, महाधरना है इको गार्डन पर, और अब की आरोप पार यहाँ पर लिखा है, क्योंकि देखिए लास्ट समय है, क्योंकि 10 तारीख के आसपास आपकी आचार संहिता 100% लग जाएगी और उसके बाद फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता, ये मान के चलिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। और जो कि जो जो चीज़ें बाद जो बातें निकल के सामने आ रही हैं कि आपकी 17,000 भर्ती का जो विज्ञापन है वो आपका 8 या 9 जनवरी या 10 जनवरी के आसपास आ जाएगा, तो जब तक आ नहीं जाता तब तक वो 17,000 भी मान के मत बैठिए। कुछ लोग तैयारी करने लगे, कोचिंग संस्थानों की कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग अपना कोर्स बेचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मेरी तरफ से आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक संख्या में कल पहुंचे, क्योंकि देखिए जूनियर एडेड के लिए भी यहाँ पे देखिए बेसिक शिक्षा मंत्री का ये ट्वीट है कि 30 दिसंबर से प्रक्रिया प्रारंभ होगी और आज 2 तारीख हो गई, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो जब तक चीज़ें स्टार्ट ना हो जाए तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है, इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग कल अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें और अपने साथियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा कल ले जाएँ और अपनी मांगों को रखें, ठीक है। कुछ नहीं होगा तो फिर बाद में तो फिर हम लोग अपने हिसाब से देख ही लेंगे, लेकिन कल हमारा जो आखिरी एक कोशिश है उसको हम लोग सफल बनाएं और कोशिश करें कि कुछ दबाव पड़े और कुछ ही वैकेंसी बढ़ जाए, वही बहुत है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।